भाइयों बहनों, मेरा नाम है अरीश कुमार साहनी। आप आज हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्वामी आर्यवेश जी, और हमारा प्रोग्राम है इन सर्च ऑफ ट्रुथ। सब लोगों को लगता है कि सच क्या है, लेकिन किसी को सच के बारे में पता नहीं होता है। सच बड़ा ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है जिससे लोगों में ये जागृति पैदा हो कि हर एक चीज़ के पीछे सच क्या है उसका पता लगाया जाए। आज आपने देखा होगा कि इंडिया में जो एल्बम है उसके नीचे लिखा है सत्यमय जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये सत्य क्या है, इसके बारे में हम आज स्वामी आर्यवेश से बात करेंगे। आर्यवेश जी हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज, जो ग्लोबल संस्था है। तो आर्यवेश जी, आप अमेरिका में आए हुए हैं, आपने काफ़ी लोगों से मिले हैं, आपने इंडिया में भी बड़े यंग एज में इस संस्था से जुड़ गए हैं। आप बताइए, ये हमारा जो प्रोग्राम है इन सर्च ऑफ ट्रुथ, उसके बारे में आपके क्या विचार है, ये प्रोग्राम कैसा रहेगा? सबसे पहले सानी साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस जस टेलीविज़न के माध्यम से मुझे लोगों से बात करने का मौका दिया है। और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने बड़ी खोज भी की कि आखिर सत्य है क्या। तो इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ऐसे विषय लाना जिसकी आज के लोगों को बहुत ज़रूरत है। हम मनुष्य शरीर में आने के बाद हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम सत्य को खोजें। जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आज ये वर्ल्ड में प्लांट वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड है, और भी कई वर्ल्ड है, लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग मनुष्य जाति के हैं। तो मनुष्य जाति के होने से इस वर्ल्ड में हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, हमको किस तरह से जीना चाहिए, ये लोगों को पता नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ह्यूमन रेस की क्या वैल्यू है, और किस तरह से हमको अपना प्रोग्रेस और जीने की कोशिश करनी चाहिए? संस्कृत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर नराणा, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि पशु और मनुष्य चार बातों में समान है, अर्थात ये चारों बातें मनुष्यों में भी हैं, पशुओं में भी हैं, इनमें दोनों में समानता है। क्या है? आहार, भोजन पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। निद्रा, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। भयभीत, मनुष्य भी होते हैं, पशु भी होते हैं। और संतान उत्पत्ति पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। किंतु हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर कौन सी विशेषता है जिसके कारण हमारी लाइबिलिटीज़ पशुओं से या प्लांट से या और जो वर्ल्ड में क्रिएचर्स हैं उनसे डिफरेंट है? वो है धर्म। और जब मैं धर्म की बात कहता हूँ तो धर्म विशेष रूप से, क्योंकि दुनिया में विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय हैं तो उसको लेकर के लोग बट जाते हैं। यहाँ पर धर्म का मेरा मतलब है ड्यूटी, कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जानवर है उनका अपना धर्म है, वो जानते हैं उनको क्या करना है, सुबह उठ से शाम तक क्या कर उनका रहने का तरीका है, तो वो एकदम प्रोग्राम्ड है। वो आप देखिए कि कोई भी जानवर रात को खाना नहीं खाता, चिड़िया वगैरह दिन में खाना खाती है, रात को नहीं खाती, जो शेर है वो रात को खाता है, वो दिन में नहीं खाता, तो उनको उनका पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। तो हम जो ह्यूमन रेस हैं, हमारे को कुछ पता नहीं क्या करना है, कैसे करना। हम पैदा होते हैं तो हमारा 20% लाइफ इसी में गुजर जाती है कि हम एजुकेशन लें, किस तरह से रहें, फिर हमारे 30% लाइफ इसमें गुजर जाती है, हम सोते हुए गुजर जाते हैं। तो ये 20% जो लाइफ है जिसमें हमको एजुकेशन मिलता है, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, वगैरह वगैरह। तो अब ये पॉइंट ये आ जाता है कि पैदा होना मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं जहाँ पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, किस घर में पैदा हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या है, सिस्टम है ह्यूमन रेस का? मैं बात को थोड़ा सा उसको और क्लियर करते हुए यहीं पर मैं आना चाहूँगा
कि मनुष्य को परमात्मा ने एक विशेष गुण ये दिया है कि वह ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको ये एक क्वालिटी दी है कि वो ये फैसला ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये पशु पक्षी और प्लांट्स निर्णय नहीं ले सकते। तो इसका आपका कहने वाला क्या कि हर एक आदमी को पता है कि ठीक क्या और गलत क्या है? ये उसमें टैलेंट है, अगर वो इसका प्रयोग करे तो। वो कैसे आती है? वो उसके पास एजुकेशन से आती है, वो उसके पास जो एनवायरनमेंट में, जो हमारे जो साहित्य में जो चीज़ें उसको देखने सुनने को मिलती हैं, जहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो उसको बताया जाता है। पशु और पक्षी या दूसरे प्लांट्स, इसको उनको स्वाभाविक ज्ञान होता है, मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान होता है। नैमित्तिक ज्ञान मीन्स उसको सीखना होता है समाज से, और जैसा वो उसको समाज में सीखने को मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इसका कहने वाला कि समाज बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। समाज बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज के साथ साथ उसके परिवार की पृष्ठभूमि, उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसका लिटरेचर, उसके जो और भी जो प्रचार के सोर्सेज हैं, नॉलेज के सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चे को जैसा मिलता है वो वैसा ही सीखता चला जाता है। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी अफ्रीका में पैदा हुआ, जो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ, जो आदमी इंडिया में पैदा हुआ, जो आदमी मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ, तो उनका व्यवहार अलग अलग होगा। डेफिनेटली जैसा एनवायरनमेंट उसको मिलेगा वैसा ही वो सीखेगा। जैसे एक परीक्षण हुआ बहुत पहले, सोशियोलॉजिस्ट ने एक परीक्षण किया कि मनुष्य के बच्चों को एक जो है इसके अंदर रखा, जू के अंदर, जहाँ पर सेंचुरी थी, बर्ड्स थे, कुछ भेड़ बकरियाँ थी, कुछ हिरण थे, कुछ इस टाइप के पशु पक्षी थे जो वाइल्ड नहीं थे, बच्चों को नुकसान ना कर दें। वहाँ पर जो बच्चे रहे कुछ समय के लिए, उन्होंने वही सीखा जो वहाँ पर वो क्रिएचर्स कर रहे थे, और वो बच्चे हाथ जमीन पर रखते हुए बाहर आए और उनकी आवाज़ भी वैसे निकली जैसे वो बोलते थे। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो उनको एनवायरनमेंट मिलता वैसा वो सीखते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उनको सिखाने के लिए जो एजेंसी है, अर्थात फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसका स्कूल, उस स्कूल में पढ़ाए जाने वाला जो भी लिटरेचर है, नॉलेज है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्वामी जी, इस बात की तो बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि हर एक आदमी की ड्यूटी है सच का पता लगाए। बिल्कुल। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, इसके बारे में आप जवाब देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, प्लीज स्टे विद अस इन सर्च ऑफ ट्रुथ। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, टुडे यू आर जॉइनिंग अस इन सर्च ऑफ ट्रुथ विद स्वामी आर्यवेश। आर्यवेश जो इंडिया से आए हुए हैं और अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम आर्यवेश से बात पूछेंगे कि सच असल में है क्या। बेसिकली ये एक बड़ा गहरा प्रश्न है, और यदि हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो दिखता है सच वो नहीं है, बल्कि जो नहीं दिखता सच वो है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उपनिषदों में एक कथा आती है कि श्वेत केतु जब पढ़ाई पूरी करके आए तो उनके पिता ने पूछा, बेटा शिक्षा पूरी हो गई? कि हाँ पूरी शिक्षा हो गई। कि कितना पढ़ा? कि सब कुछ पढ़ लिया। क्या क्या वो भी पढ़ लिया जिसके बाद और कुछ जानने की ज़रूरत ना पड़े? कि उन्होंने कहा हाँ वो भी पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा जाओ वो सामने पेड़ के नीचे एक फल पड़ा है वो उठा के लाओ। तो गुलर का एक फल पड़ा हुआ था, वो उठा के लाया, उसने कहा इसको फोड़ो। और जब फोड़ा तो उसमें देखा, उससे पूछा क्या देख रहे हो इसमें? तो श्वेत केतु कहता है इसमें तो कुछ नहीं दिखता, कुछ छोटे छोटे बीज दिखते हैं कीड़े जैसे। कि तुमको जो दिख रहा है इसमें ये पेड़ नहीं दिख रहा? कि नहीं ये पेड़ तो नहीं दिख रहा। कि इसके भीतर जो अदृश्य है, हाँ, वो ये पेड़ है जिसके नीचे तुम बैठे हो। फिर उसने दूसरा परीक्षण किया कि जाओ एक ये जो सामने पानी रखा है, तालाब है छोटा सा, इसमें से एक गिलास भर के पानी पियो। एक बर्तन था बड़ा, उसमें तो पानी पी लिया। फिर उसने एक नमक का ढेला लिया कि इसमें डाल दो, और डाल दिया। तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा नमक इसमें ढूंढो कहाँ है, कि नमक तो नहीं है, तो अब इस पानी को पियो। तो पानी पिया तो वो नमकीन था। उन्होंने कहा कैसा लग रहा है? कि नमकीन लग रहा है। तो श्वेत केतु का पिता कहता है अब तुम ये बताओ कि वो नमक कहाँ गया? कि वो तो इसमें घुल गया, कि इसमें सब जगह, कि उसमें कहीं भी कोने से ढूंढ लो वैसा पानी पहले वाला मिल जाए कि नहीं मिलता। इससे ये सिद्ध होता है कि सत्य क्या है जो अदृश्य है।
शरीर हमको दिखता है किंतु ये चलायमान भी है, गतिमान भी है, ये किस पे टिका हुआ है? इसके भीतर अदृश्य है एक आत्मा। और ये संसार जो दिख रहा है, जो चल रहा है, दिखाई देता है, बना हुआ है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? अदृश्य शक्ति है, परमात्मा। तो अदृश्य जो है वो सत्य है, और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया के अंदर जहाँ भी देखेंगे, जो कुछ हलचल हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई अदृश्य सत्य है जो काम करता है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो सत्य हमको चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, वह भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जिन बातों को हम सत्य माने बैठे हैं वो सत्य नहीं हैं, बल्कि वो अधूरी हैं। कई बार तो व्यवहार में हमने देखा सत्य इतना बलवान होता है कि हम कोर्ट में भी अगर जाएंगे, बयान देंगे, तो हमारे से पूछवाया जाता है कि बोलो, ये कहो कि जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, जबकि वो बोलता झूठ है। किंतु झूठ भी सत्य के सहारे पर खड़ी रहती है, सत्य के बिना झूठ भी नहीं चल सकती। दुनिया के व्यवहार में झूठी बातें चलती हैं किंतु सत्य बन करके चलती। तो स्वामी जी, इसका सत्य कितना महत्वपूर्ण है? इसका कहना, आपके कहने से मतलब ये है कि सच जो है बड़ा मुश्किल से ढूंढा जाएगा। सच इतना ईजी नहीं है, सच का पता लगाना इतना ईजी नहीं। नहीं, बहुत ईजी है। अच्छा। अगर हम अपने व्यवहार में उसको ले आए, जैसा हम मानते हैं, जैसा देखते हैं, उसको वैसा ही वर्णन कर रहा, वाणी से, मन से, और मनसा वाचा कर्मणा, कर्म में भी उसको उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो वो सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य है वो ईश्वर, इस संसार को बनाने वाला। उसको प्राप्त करने के लिए तो हमारे ऋषियों ने रास्ता दिया अष्टांग योग का, उसके माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आपका कहने का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान ने हम सबको सब कुछ दिया है, लेकिन जिस तरह से हमारी शिक्षा हुई, जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, जिस कारण से आज हम लोग भटक रहे हैं और हमको पता नहीं है कि जीवन किस तरह से गुजारा जाए। अब आपके बारे में आप बताइए कि आपने इस वेश में क्यों हैं, कब आप इस वेश में आए और क्यों आए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछ लिया। निस्संदेह बचपन में मैं जिस समय पढ़ता था स्कूल में, तो मैं देखता था अपने गांव में हमें ऐसे ऐसे उपदेशक और प्रचारकों के विचार सुनने को मिले, जो ये प्रेरणा देते थे कि मनुष्य इस मनुष्य के चोले में आने के बाद केवल खाने पीने या भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं आता, बल्कि वो अपनी आत्मा की उन्नति और समाज में परोपकार के लिए आता है। परोपकार के लिए आता है। तो परोपकारी व्यक्ति ही संसार के अंदर महान होते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए जीवित नहीं रहता, औरों के लिए जीवित रहता है, औरों के दुखों को अपना दुख समझता है, वही व्यक्ति जो है महान है, वही व्यक्ति सही मायने में धर्म के तत्व को समझता है। ये जो प्रचार था वो मेरे मन में बैठ गया। और जब मेरी शिक्षा पूरी हुई, मैंने सन 1972 में LLB ज्वाइन की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, हरियाणा की बड़ी ऐतिहासिक धरती है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण ने कभी 5000 साल पहले महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। करेक्ट। तो वहाँ पर मैंने शिक्षा की, और उसके बाद मेरे मन में ये डेडिकेशन की भावना पैदा हुई कि मुझे ये जीवन समाज के उपकार के लिए। स्वामी जी, आपने ला किया, ला करने के बाद आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन इस मार्ग में चल गए लोगों की सेवा करने के लिए। तो इस बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि जो आप जैसे वेशधारी हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। जी, नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रचलन में कई बार ऐसा लगता है कि परंपरा, हमारी जो पुरानी हेरिटेज है, परंपराएं हैं, हमारा इतिहास है, हमारी ऋषि परंपरा है, उसमें बहुत प्रकार के संन्यास के ये रूप बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग केवल वस्त्र पहनने से सन्यासी बन जाते हैं, योग्यता होती नहीं है, तो वो भ्रांति हो जाती है। किंतु मनुष्य के व्यवहार से, उसकी बौद्धिक जो उसके पास प्रॉपर्टी है, उससे पता लग जाता है कि इसके पास क्या है। मैंने तो जिस समय LLB करी, उसके बाद तुरंत इस रास्ते पर जब मैं निकला, तो उसके बाद मैं लोगों के लिए ही अपना पूरा जीवन एक एक क्षण इसमें लगाने के लिए कृत संकल्प रहा, और अब पूरा जीवन इसी में लगता है। आप समझिए, मैं भी इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में बड़ा हुआ, इंडिया में शिक्षा ली, मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों पर बड़ा गर्व होता है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म का कल्चर इसलिए बच गया क्योंकि आप जैसे लोग थे, क्योंकि आप लोगों ने अपनी
फैमिली को छोड़ दिया, सबको छोड़ के लोगों को हिंदू बने रहे, उनके विचार अच्छे बने रहे, उसके ऊपर अब लगे रहे। तो ये बड़ी ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अभी लोगों से कहूँगा कि अभी इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करने के लिए फिर आएंगे। कीप इन टच विद अस फॉर द प्रोग्राम इन सर्च ऑफ ट्रुथ। Dear brothers and sisters, you are joining with us on In Search of Truth. In Search of Truth is a program where we are bringing people like Swamiji here, with whom we discuss the issues of life and to enlighten you to look for the real truth in real life also. तो अभी मैं स्वामी जी से बात कर रहा था। अब मैं स्वामी जी से पूछूंगा, स्वामी जी आपने देखा है जिस तरह से आपने अपनी लाइफ इस तरह से गुजार रहे हो, अब जो कॉमन आदमी है उस वो अपने बारे में सोचता ही नहीं, वो अब काम करता है, ज़िंदगी गुजार रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? किसी ने कहाँ जन्म लिया, उसके माता पिता कौन थे, उसको शिक्षा ठीक से मिली नहीं मिली, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि ही शुड स्टार्ट थिंकिंग आफ्टर वॉचिंग आवर प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रुथ। यस, वो यदि ऐसा है तो क्यों है, यदि वैसा है तो क्यों है, और उसको यदि अच्छा बनना है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे उनको? देखिए, हमारी पुरानी परंपराओं में एक बोली जाती आश्रम व्यवस्था, और उसको चार भागों में बांटा हमारे ऋषियों ने। पहला भाग कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम कह लीजिए, विद्यार्थी आश्रम कह लीजिए, वो एजुकेशन का है, वो पढ़ाई करके फिर वो शादी करके गृहस्थ आश्रम में जाता है। गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा दायित्व तो है, और चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम माना जाता है। मनु महाराज कहते हैं कि सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी, ये तीनों ही गृहस्थ आश्रम के ऊपर टिके हुए हैं। ये तीनों भिक्षावृत्ति से चलते हैं, और गृहस्थ आश्रम एकमात्र आश्रम है जो इन सबको पालन पोषण भी करता है, इनको सपोर्ट देता है। तो गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो स्वामी जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आजकल के जितने भी लोग हैं गृहस्थाश्रम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो उनको अपना इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है कि दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सस्टेनिंग ऑफ द वर्ल्ड संभालने के लिए। तो ये जब गृहस्थाश्रम में है, और गृहस्थाश्रम में कोई बच्चा पैदा करता है, उसकी तरफ उसकी क्या ड्यूटी होती है? जी, बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि जो बच्चा जिस परिवार में पैदा हुआ, कुछ तो वो अपने संस्कार लेके आता है, वो अपने संस्कार लेके आता है वो पूर्व जन्म के। अच्छा। और कुछ माता पिता के जो संस्कार उसको मिलते हैं बचपन से ही, वो उसको उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो अपना कुछ संस्कार लेके आता है, पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ वो माँ बाप से लेता है। जी, और वो ऐसे होता है सानी साहब, बहुत ही सरलता से समझा जा सकता है कि जैसे जमीन में पड़े हुए बीज बिना खुराक के नहीं उगते, और बरसात के मौसम में वो पानी और हवा मिलते उग करके हरे भरे हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के भीतर भी पड़े हुए संस्कार तब तक नहीं उगते, अंकुरित नहीं होते, जब तक उनको उनकी खुराक नहीं मिल जाती। अच्छा। उनके निमित्त नहीं मिल जाते। अच्छा। अगर एक बच्चा अच्छे संस्कार लेके किसी परिवार में पैदा हुआ और वहाँ उसको उन संस्कारों के अनुरूप वातावरण नहीं मिलता, तो वो संघर्ष करता है उस वातावरण को तोड़ने का। अच्छा। और उसको बड़ा टाइम लगता है उसमें से निकलने की। मैं उदाहरण दिया करता हूँ स्वामी रामदेव का। अच्छा। स्वामी रामदेव एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में पैदा हुए गाँव में, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ कुछ और भी कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसको एनवायरमेंट मिलता। करेक्ट। और उसका अपना प्रारब्ध स्वामी रामदेव का बहुत ऊंचा था। अच्छा। तो बहुत ऊंची आत्मा के रूप में आए थे, किंतु वो सारे उन बैरिकेटिंग को तोड़ के निकल गए घर से, और फिर कहीं कहीं पढ़ते पढ़ते आखिरी में आज वो पूरी दुनिया में किस तरह से प्रसिद्धि पा गए। तो उनको किसी राजा महाराजा ने या किसी ताकत ने नहीं बढ़ाया, बल्कि उनका प्रारब्ध इतना ऊंचा था, पूर्व जन्म के संस्कार इतने ऊंचे थे कि जिनको लेकर के वो संघर्ष करके आ गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बार जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी को संगीत में बड़ा शौक होता है, संगीत में बड़े तेज होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में तेज होते हैं, कोई पढ़ाई में तेज होते हैं, उनका पूर्व जन्म के टैलेंट है, टैलेंट है उनका संस्कार। ये जो पूर्व जन्म की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी वर्ल्ड में बात नहीं करता, कोई इसके बारे में विचार भी नहीं है, सोच भी नहीं है, कोई इस पर डिस्कशन नहीं है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मैं तो इन दिनों में, हालांकि हम तो क्योंकि भारतीय परिवेश में तो पुनर्जन्म और कर्म फल दो ऐसे
विचार हैं जो जो भारत के जनमानस के अंदर समाये हुए हैं कि हम जितना भी कुछ करते हैं उसका फल भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना। अब यहाँ पर भी मुझे अभी पिछले दिनों में था सेंट लुइस में, हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो इंग्लिश हैं और उन्होंने किताबें लिखी हैं काफ़ी, उसका नाम तो मैं अभी नहीं याद आ रहा है मुझे, जो बहुत पुरानी पुरानी बातें किसी भी आदमी से उसके पूर्व जन्मों की बातें उगलवाते हैं। अच्छा। और इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है कि मनुष्य पहले की जब बातें बता रहा है कि मैं वहाँ था वहाँ था, तो पूर्व जन्म तो है और पूर्व जन्म इस रूप में भी वो संस्कार लेके आता है जैसे हम इस जन्म में भी अपने बचपन की बातें याद रखते हैं। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये है कि ये हिंदू धर्म जो हिंदुस्तान से ये जो नॉलेज आया है कर्मा का और रीइंकार्नेशन का, इसके बारे में अब दुनिया सोच रही है। जी बिल्कुल सोच रही अब है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ का बड़ा इफेक्ट होता है, माँ ही उसको पालती है, माँ ही उसको बड़ा करती है, लेकिन बहुत बार लोग अपनी माँ को उतना क्रेडिट नहीं देते। बिल्कुल। ये क्यों और माँ का क्या महत्व है बच्चा पालने में, इसके बारे में जरा आप बताएंगे। जी जी, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जिस समय चारों पांडव वो पानी की तलाश में जाकर के बेहोश हो गए तालाब पर। हाँ। तो अंत में युधिष्ठिर को कुंती ने भेजा जो उनके बड़े भाई थे। ठीक बात है। युधिष्ठिर जाओ, तुम्हारे भाई नहीं आए, कोई कारण है। जब युधिष्ठिर गया और उसने प्यास से बड़ा वो व्याकुल था, उसने देखा भाई बेहोश पड़े हैं, तो उसको देख करके दुखी तो वो हुआ किंतु उसने सोचा पहले पानी पी लूँ, बाद में इसका कारण ढूंढूंगा क्यों बेहोश हुआ। जब वो पानी की तरफ बढ़े तो एक कोने से आवाज़ आई यक्ष की कि तुम जो जिस पानी की तरफ जा रहे हो वो अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारी भी यही स्थिति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। युधिष्ठिर विद्वान था, वो रुक गया और उसने पूछा मेरे से तुम प्रश्न पूछो। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, लगभग 125 प्रश्न यक्ष ने पूछे जिनका महाभारत में वर्णन है, वो उत्तर देते गए। उनमें एक प्रश्न ये भी पूछा, युधिष्ठिर बताओ दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है। अब मुझे भी याद है, युधिष्ठिर ने कहा सबसे भारी माँ है। माँ का जो वजन है वो इतना है कि उसके बराबर कोई चीज नहीं होती। और कहते हैं कि बहुत उदाहरण आते हैं कि किस तरह से माँ ने बच्चों की परीक्षाएं ली, बच्चे गुस्से में कहते थे कि माँ तुम क्या, तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर, लो तुम जितना चाहो पैसा ले लो, कुछ ले लो, इस ऋण से मुझे ऋण करो। हाँ। तो कहते माँ ने जो है बच्चे को वो बीरबल का जो रतन था टोडरमल। हाँ। उसके बारे में आता है कि उसका परीक्षा की उसने और वो बड़ा धनवान हो गया था, तो माँ से गुस्से में बोल पड़ा कि तेरा ऋण जितना ले लो। हाँ। तो उसने कहा तू अच्छा यूं करो आज तुम मेरे साथ सो जाओ। रात को माँ के साथ वो सो गया, बेटा था उसको कोई संकोच नहीं हुआ सोने में। तो माँ ने कहा बेटा पानी दो, तो पानी मंगवाया तो हाथ हिला करके पानी उसकी तरफ डाल दिया जिधर वो सोया था। अब वो गीला हो गया, बोले माँ क्या कर रही हो, पानी पिया नहीं तुमने, ये डाल दिया। तो फिर वो इधर आ गया, इधर सो गया। आधा घंटे बाद फिर पानी मांगा और मांगा तो फिर माँ ने इधर खाली जगह पर पानी डाल दिया। तो बहुत गुस्सा आया उसको, माँ तुम कर क्या रही हो, ना पानी पीती हो, पानी ये गीला मैं कहाँ सोऊं। तो उसने कहा बेटा मैंने तुम्हें जब पाला था छोटे थे तो तुम कभी इधर पेशाब करते थे, कभी इधर करते थे, तुम्हें अपनी छाती पर लिटाती थी, तुम कहाँ कहाँ ऋण उतारोगे माँ का। तो कहते हैं कि माँ का इतना महान उपकार है बच्चे के ऊपर, अगर वो हम बच्चों को नहीं बताते तो गलती हमारी है, बच्चे को नहीं पता लगेगा कि माँ का कितना योगदान है। महर्षि दयानंद ने कहा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बच्चे के तीन गुरु होते हैं, सबसे पहला गुरु है माँ, दूसरा है पिता और तीसरा है उसका टीचर आचार्य। तो आज स्वामी जी हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई लोगों को। स्वामी जी आप हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो लोगों के को आज बताया सच के बारे में, सच को ढूंढना बड़ा ज़रूरी है, और जिस तरह से आपने माँ के बारे में उपदेश दिए, मैं चाहूँगा कि सब लोग इस बारे में अपने माँ के बारे में सोचें, उनकी माँ से व्यवहार के बारे में अपना ध्यान रखें, और इससे जो उनको फ़ायदा होगा उसकी कोई गिनती नहीं है। तो आज के प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। स्वामी जी आपका फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सानी साहब, अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे मौका दिया, और जो श्रोता बंधु हैं वो भी इन बातों पर, यद्यपि बहुत विस्तार से बातें नहीं हुई हैं, फिर भी जो बिंदु आए हैं उन पर जरूर चिंतन करें, और अपने परिवार में माता पिता आदि का जो हमारे ऊपर ऋण है उसको ध्यान करते हुए
उनकी सेवा में, उनके आदर में कोई कमी न आने दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। धन्यवाद।